केंद्र सरकार माननीय मोदी जी आपने बहुत परीक्षा ले लिया है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप किसानों के हित में ये तीनों काला कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, अनलिमिटेड भंडारण का है और जो MSP की गारंटी का है और जो आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन किया है, उन सब कानूनों पर विचार करें। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest. सबसे बड़ी बात मेरे गर्व की, मेरे लिए गर्व की बात यह है कि जहां मैं मूलवासी हूं, मेरे क्षेत्र के विधायक हैं श्री अखिलेश सिंह त्रिपाठी जी। मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मैं उनके बराबर में बैठा हूं, उनसे वार्तालाप कर रहा हूं और उन्होंने अपना जो मूल्यवान समय आज हमारी फेस वार्ता टीम को दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। चलिए स्वागत करता हूँ और मैं अखिलेशपति त्रिपाठी विधायक मंडल टाउन। सर आप लगातार शायद 3 बार जीत आपने हासिल की है, तो आपको क्या लगता है इसका श्रेय जनता को जाता है या आपके विकास कार्य को जाता है या पार्टी को जाता है? निश्चित रूप से ये जीत हमारी महिला जी के कार्यों की जीत है, जनता के प्यार की जीत है और लगातार क्षेत्र वहाँ पर उतर आई है, उसको सलाह है हम लोगों को और सरकार जिस तरीके से शिक्षा में काम कर रही है, आज पूरी दुनिया के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग उस केजरीवाल मॉडल को पसंद कर रहे हैं और यही कारण है कि दिल्ली के बाहर भी अन्य प्रदेशों में भी बहुत तेजी से हमारी जिला पंचायत के लिए तैयारी प्रचार प्रसार, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ गौतम जी के नेतृत्व में। देखिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा में चुनाव लड़ेगी और जिला पंचायत से लेकर के विधानसभा और लोकसभा तक का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, उसी की कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लड़ रहे हैं और वहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रदेश प्रभारी आदरणीय संजय सिंह के नेतृत्व में प्रदेश प्रवक्षक बनाया गया है राजेंद्र पाल गौतम जी को, हमारे मंत्री हैं और तमाम हमारे विधायक साथी मेरे समेत वहाँ पर इस मिशन को कामयाब करने के लिए और जो केजरीवाल मॉडल है शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी का जी सरकार की सेवा जनता के द्वार पर देने का, वो उत्तर प्रदेश में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि अब वो जो है केजरीवाल मॉडल उत्तर प्रदेश में भी। सर मेरी रामनिवास गोयल जी से परसों मुलाकात हुई, मैंने ना उनसे बात की, जो कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील हो चुकी है उस समस्या का समाधान हो, जब हमने कहा तो उन्होंने कि MCDs की दोषी है, 1 साल का चुनाव बह रहा है। अब आप जैसे जितेंद्र तोमर जी के पास जाते हैं और बड़े SK बग्गा साहब के पास कहा तो उन्होंने कहा कि ये हमारी छवि खराब करना चाहते हैं, क्या इसमें वास्तविकता है? देखिए MCD के लोग जो है झूठा आरोप लगाते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर और उस झूठे आरोप का खुलासा माननीय हाईकोर्ट ने किया, उन्होंने कहा दिल्ली सरकार कोई भी रुपया देना उनका बाकी नहीं है, दिल्ली सरकार 1 रुपया भी जो पैसा है MCD का वो सारा दे चुकी है, अब इसके बाद रह क्या जाता है? तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को सफाई करने में सफल रही है, MCD के की रेवेन्यू बढ़ाने में सफल रही है, चारों तरफ कुत्ते घूम रहे हैं, गाय घूम रहे हैं, चारों तरफ इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है MCD में। अब जनता के काम वहाँ कराने जाती है जनता, वहाँ पर पैसे लगते हैं लोगों को काम कराने के लिए, इन सब को देखते हुए जनता ने इनको रिजेक्ट करने का मन बना लिया है। अब इससे भयभीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो अब ये कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम भी ले डूबेंगे, तो इस नारे के साथ जो है दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो शानदार सरकार चल रही है, जिन्होंने नज़ीर पेश किया है विकास का कार्य करने का, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पर, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता जानती है, जनता गुमराह होने वाली नहीं है, ये निश्चय कर लिया है कि इस बार झाड़ू से जिस तरीके से विधानसभा में हमने बाहर करने का काम किया था कमल के फूल को, ऐसे ही
ये कूड़े का अंबार बनाने वाले दिल्ली को, दिल्ली को बिल्कुल अनहाइजीनिक राजधानी बनाने के लिए के काम जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको जो है झाड़ू से फिर हटा दें। जो मेयर साहब की हम कोठी पे गए जयप्रकाश जी के मेयर, उन्होंने कहा कि हम 2 महीने की तनख्वाह अपने फंड से कैसे भी करके दे रहे हैं, क्या ये सच है साहब? मैं कहता हूँ कि ये 2 महीने का फंड अगर कह रहे हैं मैं अपने फंड से दे रहा हूँ तो पहले क्यों नहीं किया? जब दिल्ली सरकार ने 938 करोड़ रुपया जारी कर दिया और वो पैसा आया उसके बाद आपने दिया, ये सरप्लस पैसा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिया एमसीडी को, अतिरिक्त पैसा दिया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है, केजरीवाल जी का मानना है कि दिल्ली को किसी भी कीमत पर सफर नहीं करने देंगे। दिल्ली के एक एक लोग परिवार के सदस्य हमारे, एक एक लोगों के हित में काम करने का काम हमारी सरकार करती है, और अब एमसीडी भले बीजेपी की है करप्ट है, भले बीजेपी की है कूड़े नहीं उठाती, भले बीजेपी की है सारे के सारे जगह पर गायें घूम रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं है, भले बीजेपी की है एमसीडी वहाँ पर इंक्रोचमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के अलग 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 कोनों में लोग परेशान हैं उससे, हम निस्वार्थ भावना से दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहेंगे, और उसी सेवा भाव का परिणाम है कि आज 938 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों के हित में जारी किया है, जो हिस्सा नहीं बनता था उसके अतिरिक्त भी पैसा देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप दिल्ली के लोगों का इतना ख्याल रखते हैं, और वहीं पर शेम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इस गंदी राजनीति पर कि वो लोग जो है अपने कर्मचारियों का हित नहीं कर पा रहे हैं, सफाई कर्मचारियों के घर में खाना नहीं बन पा रहा है, इस तरीके की घटिया राजनीति कर रहे हैं, और जितना पैसा दिल्ली सरकार देती है उसको तनख्वाह न दे करके बड़े बड़े ठेकेदारों को कमीशन के नाम पर पेमेंट करने का काम करते हैं। और अभी आपने एक और उदाहरण देखा कि अपने पार्षदों का फंड 1 करोड़ रुपया करने का काम करने जा रहे थे, एक तरफ कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, एक तरफ फंड पार्षद का बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? शर्म नहीं आती मेयर साहब को? क्या प्राथमिकता है, क्या जरूरी चीज है, क्या गैर जरूरी चीज है, ये उनको नहीं पता है? मेयर को क्या है, नहीं पता है कि दिल्ली में कूड़ा नहीं उठेगा तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या बीमारियां फैल सकती हैं, अस्पताल आप नहीं चला पाते, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दे पाते, स्कूल नहीं चला पाते, स्कूलों में हमारे टीचरों के तनख्वाह नहीं दे पा रहे आप। अब लोग समझ गए हैं आपकी राजनीति जो गंदी तरीके की है, अब झाड़ू चलेगा, जैसे कमल के फूल को हटाने का काम झाड़ू से करा था विधानसभा चुनाव में, लोग इस बार भी करेंगे। अच्छा, निगम के चुनाव आपको लगता है जो 1 साल के बाद आम आदमी पार्टी अपना झंडा ले रहा है जाएगा वहाँ पर? दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी चुनाव आए नगर निगम का, लोग कह रहे हैं अब 6 महीना और नहीं, बस चुनाव आने दीजिए, लोग तैयार हैं, झाड़ू चलाएंगे, और कमल के फूल को जैसे दहाई के अंक में नहीं पहुंचने दिया था यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में, ऐसे इस बार दहाई के अंक में।